क्या बोल लिया है ना, चल वापस दे। मैं कह चुका हूँ मैंने नहीं ली, छोड़ मुझे। अच्छा नहीं लिया तो खा विद्या कसम। विद्या कसम हो गया। ऐसे नहीं, पूरी लाइन बोल। विद्या कसम मैंने नहीं ली तेरी लाल वाली बॉल। विद्या कसम मैंने नहीं ली तेरी लाल वाली बॉल। तुझे पता है ना झूठी विद्या कसम खाने से क्या होता है? हाँ पता है, सातों विद्या नाश हो जाती है और एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तुझे एग्जाम में फेल होने से डर नहीं लगता? अरे जब मैंने तेरी बॉल ली नहीं तो फेल होने की बात कहाँ से आई। अच्छा तो तू अब अपनी मम्मी की कसम खा। अब तेरे 10 रुपए के बॉल के लिए मैं अपनी मम्मी की कसम खाऊंगा, मैं नहीं खाने वाला। मुझे पता है मेरी बॉल तो तेरे पास ही है, वरना तू कल रिसेस में मेरे बैग के पास क्या कर रहा था? हेमंत ने सब मुझे बता दिया, उसने देखा था तुझे वहाँ खड़ा होते हुए। मम्मी की कसम तो तुझे खानी ही पड़ेगी। हेमंत झूठ बोल रहा है, मैं तेरे बैग के पास गया ही नहीं था। हट। जिसने भी मेरा बॉल चोरी किया है उसकी माँ चोर, बाप चोर, उसका पूरा खानदान चोर। अरे जाने दे यार, छोड़ शांत हो। अब क्या करें? कल तक अगर बॉल ही मिली ना तो अंडी बंडी संडी कर लेते हैं। अंडी बंडी? इधर आ। अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी माँ। नितिन। हाँ बोल। से एक बात पूछूं? झूठी विद्या कसम खाने से सही में फेल हो जाते हैं? हाँ यार मम्मी तो यही कहती है। वो झूठी माँ कसम खाने से क्या होता है? जिसकी झूठी कसम खाओ वो मर जाता है। और अगर किसी मरे हुए की कसम खाए? अरे किसी मरे हुए की कितनी भी कसम खाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये तू क्यों पूछ रहा है? नहीं यार कुछ भी नहीं। वैसे कभी फंस जाए ना तो भगवान की कसम खा लेना। भगवान कसम? हाँ क्या है, भगवान कसम सबसे सेफ होती है क्योंकि भगवान कभी मरते ही नहीं है। झूठी कसम से भी नहीं? हाँ यही तो खास बात है भगवान की, भगवान कभी नहीं मरते, इसलिए सारे लोग ना भगवान की तुरंत कसम खा लेते। अच्छा एनीवे कल का मैच देखा क्या, आरसीबी और मुंबई इंडियंस? और अगर सामने वाला भगवान कसम खाने के लिए तैयार ना हो तो? यार ये तो मुझे नहीं पता, मैं कल दीदी से पूछ के बताता हूँ। यही ले आई ना, इतना ही पता है तो। ऐसे वक्त पर मैं अपनी ही जिद पे अड़ी रहेंगी। मम्मा क्या है? झूठी कसम खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, हाँ 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 हम ही आ जाएंगे। ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। सच में? लेकिन मेरे दोस्त तो कहते हैं जिसकी झूठी कसम खाओ तो मर जाता है। दिखाई नहीं देता मैं फोन पे बात कर रही हूँ, हाँ और कुछ नहीं होता है। ये बेकार की बातों में मत पढ़ो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो नितिन, तूने अपनी दीदी से पूछ लिया ना? हाँ एक तरीका है, अगर कसम लेने वाला बंदा अपने लेफ्ट हैंड की दोनों उंगली क्रॉस कर लेना तो कसम का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर सामने वाले ने उसको क्रॉस करते हुए देख लिया उंगलियों को तो? अरे लेफ्ट हैंड जेब में हाथ डाल के क्रॉस कर लियो। नितिन तेरी दीदी को पक्का पता है ना लेफ्ट हैंड ही है? नहीं यार मुझे नहीं पता। नितिन हाँ यार पक्का लेफ्ट हैंड ही है,
अब तू ये मत पूछ कि लेफ्ट हैंड कौन सा होता है। चल अभी मेरा बॉल वापस दे दे वरना हम सब मिलकर अंडी बंडी संडी करेंगे। मैं कह चुका हूँ मैंने नहीं ली तेरी बॉल, मेरे पास नहीं है। अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी माँ गंदी। अरे हट। तो ठीक है, तू अपने घर में से किसी की भी कसम खा ले तो हम समझ जाएंगे कि तू सच कह रहा है। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ और दादी की कसम तेरी बॉल मेरे पास नहीं है। दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती, वो अकेले गांव में क्यों रहती हैं? उन्हें भी यहाँ पर ही बुला लेते हैं ना मम्मा। जल्दी खाना खाओ और पढ़ने बैठो। मुझे दादी की बहुत याद आ रही है, उनसे मेरी बात करा दो ना। जिद मत करो अमित, चुपचाप खाना खाओ। पापा गए हैं दादी के पास, शाम में जब बात होगी तो बात करा देंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, दादी से बहुत मन कर रहा है बात करने का। कितने दिन हो गए दादी से बात करे हुए। बहुत जिद्दी हो गए हो, दादी इस वक्त सो रही होंगी, शाम में बात कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करना है दादी से, मेरी बात करा दो दादी से प्लीज। तो जिद्दी हो गया। हेलो। हाँ, कैसी अब तबीयत उनकी? हाँ अभी वो ठीक है। अब अमित पीछे पड़ा है, कह रहे हैं बात करनी है बात करनी है। हाँ ठीक है, एक मिनट दादी से बात करो। नमस्ते दादी, आप कैसी हो? हम ठीक है बिटवा। दादी आपको हमारी याद नहीं आती? आती है ना बिटवा, दिन रात तुम लोगों को याद करके ही जी रहे हैं। तो दादी आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हाँ बिटवा, हम जल्दी आएंगे। तुम खूब पढ़ना लिखना, अपने पापा की तरह अफसर बनना, तोहके देखे को बहुत मन करत हो। ओफो दादी, आप जो भी बोल रहे हो ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप हिंदी में बात करो ना। बिटवा हम कह रहे हैं तुमको देखने के लिए बहुत मन करता है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वैसे दादी एक बात पूछूं, झूठी कसम खाने से क्या होता है? बहुत बुरा होता है, कभी मत खाना मोरा प्राण। चलो बहुत बात हो गई अभी, और खाना खा लो। अमित पापा,
ये लो, दादी ने भेजा है। तुम लोगों को भी शायद एक दो दिन में आना पड़े, इस बार तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। गांव के डॉक्टर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, अभी अमित का स्कूल छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप वहाँ जाइए, वहाँ के हालात देखिए, फिर वहाँ से फ़ोन कीजिए। वैसे भी इन डॉक्टरों का कहना मानते ना तो पिछले 4 महीनों में 3 बार चक्कर लगाना तो आसानी से हो जाता, और हट्टी कट्टी तो है अभी भी। माया का की बता रही थी, फिर भी दिन में 1 लीटर दूध बड़ी आसानी से पचा ली। आरती, मैं जा रहा हूँ, फोन करूँ तो तुम दोनों आ जाना। पापा, आप आज संडे को कहाँ जा रहे हो? बेटा, हम आपकी दादी से मिलने जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे भी दादी से मिलना है, बहुत मन कर रहा है दादी से मिलने का। कितने दिन हो गए दादी से मिले हुए। पापा प्लीज मुझे भी साथ लेके चलो ना, प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज 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 प्लीज। कल से स्कूल को छुट्टी हो गई तुम्हें कि तुम जाओगे अभी? बेटा, पहले हम दादी से मिलाते हैं, फिर आपको भी ले चलेंगे। हाँ बच गए मम्मा स्कूल, और आप ये क्या कर रही हो? गांव जा रहे बेटा दादी के पास, तुम भी तैयार हो जाओ, चलो। वाह, हम दादी के पास जा रहे हैं। अमित, अमित देखो तो किसका फोन है। हाँ। हेलो। हाँ पापा, हम आ रहे हैं, मम्मी पैकिंग कर रही है। बेटा जरा मम्मी से बात करवा। हाँ करा दूंगा, पहले आप दादी को फोन दो। एक मिनट। माँ, माँ अमित बात करना चाहता है तुमसे। हाँ बिटुआ, कैसे हो? तो तुम आ रहे हो ना अपनी दादी से मिलने? हाँ दादी, मैं आ रहा हूँ। आपने जो स्वेटर भेजा था ना, वो छोटा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ दादी। आपने पहले वाले नाप से ही भेज दिया। कोई बात नहीं बिटुआ, हम नई स्वेटर बुन के भेज देंगे तुम्हारे लिए, बस तुम आ जाओ। हाँ दादी, मैं आऊँगा, जब मैं आऊँगा ना तो आपको लेकर ही साथ जाऊँगा। बिटुआ, जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे ना, तुम उनके साथ ही रहना, रहोगे ना? हाँ दादी, रहूँगा। पक्का ना? हाँ दादी पक्का, विद्या कसम। हाँ मम्मा, पापा आपसे बात करना चाहते हैं।
दादी, दादी क्या हुआ दादी आपको? दादी उठो ना, दादी उठो ना, पापा दादी को क्या हुआ? दादी, दादी उठो ना, दादी को क्या हुआ? दादी, दादी, दादी उठो ना, दादी अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात करो ना दादी, पापा पापा कुछ मुझे कोई बोल नहीं चाहिए दादी, वापस वापस आ जा दादी, दादी पापा।